आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के 97 तानसेन समारोह के बारे में। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी भोपाल द्वारा संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर एवं उनकी कर्मस्थली बेहट में किया जाता है। वर्ष 2021 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 97 तानसेन समारोह मनाया गया। पहले 7 संगीत कार्यक्रम तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे पर तैयार मंच पर आयोजित किए गए थे। 8वां संगीत कार्यक्रम 30 दिसंबर को झिलमिल नदी के किनारे बेहट तानसेन की जन्मस्थली पर किया गया। शताब्दी दशक की उपलब्धि के रूप में समारोह में विश्व संगीत की उपस्थिति विशेष सराहनीय रही है। विश्व संगीत की प्रस्तुतियां प्रतिवर्ष समारोह में आयोजित की जा रही है। इस समारोह शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार भाग लेते हैं। इसी समारोह में तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 का तानसेन सम्मान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह में वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक के कालिदास ममान अलंकरण भी प्रदान किए गए। वर्ष 2013 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार मुंबई को अलंकृत किया गया। वर्ष 2014 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सुविख्यात घटम वादक पद्मभूषण पंडित विक्कू विनायकरम चेन्नई को अलंकृत किया गया। वर्ष 2015 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से कर्नाटक संगीत सुश्री अरुणा सानीराम दिल्ली को अलंकृत किया गया। वर्ष 2016 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अतरौली घराने की शास्त्रीय संगीत की सुविख्यात गायिका विदुषी सुश्री अश्विनी भिड़े देशपांडे मुंबई को अलंकृत किया गया। वर्ष 2017 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से शास्त्रीय संगीत धारवाड़ गायन के सुविख्यात पंडित व्यंकटेश कुमार जयपुर को अलंकृत किया गया। वर्ष 2018 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से तबला वादक पंडित सुरेश तलवलकर बूढ़े को अलंकृत किया गया। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से दरभंगा घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक नई दिल्ली को अलंकृत किया गया। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विश्व विख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी नई दिल्ली को अलंकृत किया गया। सम्मान स्वरूप सभी कलाकारों को 2-2 लाख की आयकर मुक्त राशि शॉल एवं श्रीफल प्रदान किए गए। तानसेन का जन्म वर्ष 1506 में ग्वालियर के निकट बेहट नामक गांव में हुआ था। तानसेन वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। पहले यह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। बाद में रीवा के राजा ने इन्हें अकबर को उपहार स्वरूप दिया। इनके गुरु का नाम हरिदास था। तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल वर्ष 1586 आगरा में हुई थी। मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया जो ग्वालियर में है।